वो पर्वतपुर गांव था। हर दिन की तरह रात के 8 बजने वाले थे। सासू माँ शारदा टिफिन का डब्बा हाथ में लेकर हॉल में आती है। बहू अनामिका मुंह फुला के सोफे के पास आके खड़ी थी। क्या हुआ बहू, मुंह फुला हुआ है? बेटे ने कुछ कहा है क्या? वो नहीं, आप वजह है। मैंने अब क्या कह दिया, सारी रात ड्यूटी करती हूँ, सुबह आके सोती हूँ, कभी कभी सर दर्द हुआ तो चाय कॉफी मांग लेती हूँ, अब मैंने तुमसे क्या कह दिया? वो बात नहीं है सासू माँ, इस उम्र में नाइट ड्यूटी करना जरूरी है क्या? जरूरी है बेटा, मेरे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं तो बेटे को क्यों परेशान करूँ बताओ। वैसे भी तुम्हारे ससुर जी नहीं है, इन चार दीवारों के अंदर रह रह के लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ये सिक्योरिटी जॉब अच्छी है, रात वाले जितने सॉफ्टवेयर ऑफिस है ना, वही मेरी भी नौकरी है, लोगों से भरा हुआ है, लोगों को देखकर अच्छा भी लगता है, कोई भला इंसान आके बात करता है तो समय भी निकल जाता है। वो नहीं पता, पर आपका बेटा इस बात से दुखी है। इस बात की तो जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी है कि बेटे को किसी बात का दुख ना हो। हाँ, एक बात कहना भूल गई थी, इस गांव में एक भुक्कर शैतान घूमती है, जरा सावधान रहना बहू। जैसे ही मैं जाती हूँ, खाना वाना खा के सब अच्छे से पैक करके ताला लगा के रहना बहू, अपना ध्यान रखना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कह के शारदा काम पे चली जाती है। अनामिका दरवाजे पे ताला लॉक कर लेती है। जैसा शारदा ने कहा था, उस गांव में एक भारी भरकम शरीर वाली शैतान घूमा करती है, इस बात की चर्चा थी। इस वजह से कई लोग 9-10 बजे रात के खाना वाना पका के, खाना खा के, बर्तन वर्तन धो के, डाइनिंग टेबल को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लेते थे और भूत के प्रकोप से अपने और अपने घर को बचा के रखा करते थे। जब करीबन रात के 10:30 बज रहे थे, एक भारी भरकम शरीर वाली शैतान गांव में चल के आती है और चौराहे पर जाकर एक पेड़ के नीचे आके रुक जाती है। आज मेरे मन में बैगन का भरता खाने को मन हुआ है, जिसने भी बैगन का भरता बनाया मैं वो जाके खाऊंगी, मजे से खाऊंगी, कहाँ है, किसने बनाया है। इस तरह से सोचते हुए वो शैतान पैदल चलते हुए आगे जाने लगी। तभी उसे अचानक से वीना के घर से अच्छी खुशबू आती है। फिर वो वीना के घर की तरफ चली जाती है। अभी वो खाना पका रही है, इसका मतलब अभी खाने के लिए कोई आने वाला होगा। जब वाणी खाना पका रही थी, शैतान आके दरवाजा खटखटाती है। मेरे पति जो खेत में गए थे, हो सकता वो, या फिर वो शैतान आ गई। ये सोचते हुए वो दरवाजा खोल देती है। उसके पति नहीं दिखते तो वो बाहर जाके देखने लगती है। उस वक्त शैतान घर के अंदर आ जाती है। वाणी को ये पता नहीं था, वो किचन में चली जाती है और खाना पकाने लगती है। वाणी, तुम लौकी, कद्दू, भिंडी सबकी सब्जी बना रही हो, इसके अलावा भी तो कुछ बना सकती हो ना? ये बातें सुन के वाणी डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। शैतान को पता चलता है तो कहने लगती है, मत डरो वाणी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, मैं वही एक खाना खा खा के पक चुकी हूँ। कौन, इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। मैं कल आऊंगी, पर तुम कल स्वादिष्ट बैगन का भरता बना के रखना। हमारे घर में किसी को भी बैगन और बैगन का भरता पसंद नहीं, इसीलिए हम वो पकाते नहीं और कभी नहीं पकाएंगे। वाणी की ऐसी बातें सुन के शैतान को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वाणी के पास आती है। वाणी शैतान को देख के डर के मारे बेहोश हो जाती है। ये देखकर शैतान मुस्कुराती है और चली जाती है। फिर उसे पार्वती का दरवाजा खुला दिखता है और वो वहाँ घुस जाती है। वो चल के डाइनिंग टेबल के पास जाती है। वो खुशी के मारे सारे पकवानों के ऊपर से ढक्कन हटा के देखने लगती है। एक में चावल रखा हुआ था, एक में सब्जी रखा हुआ था, एक में दाल रखा हुआ था और उसके अगले में चटनी थी। सब कुछ है पर बैगन ही नहीं है जो आज मुझे खाना है। ऐसा सोच के जैसे ही वो अगले पकवान के ऊपर से ढक्कन हटाती है, देखती है उसमें बैगन की सब्जी है। देख के ही शैतान के मुंह में पानी आने लगता है। फिर चावल, दाल, चटनी, सब्जी सब कुछ शैतान खा लेती है। अब जब तीखा लग जाता है तो वो चिल्लाने लगती है, जल रहा है, वो जोर से चिल्लाने लगती है। तब तक शैतान के कान से धुएं निकलने लगते हैं।
जल रहा है कहके डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ पानी शैतान पी लेती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो पार्वती का लौट के आने का इंतजार करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आकर वो बैठ जाती है। पार्वती तब तक हड़बड़ा के आती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल के चेयर पे शैतान बैठी हुई है। शैतान को देखकर वो डर जाती है। आओ, आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये बताओ तुमने सब्जी में इतनी मिर्च क्यों मिलाई? ऐसा कहके शैतान पार्वती के गाल पे थप्पड़ लगाती है। पार्वती डर के मारे मानो कांपने लगती है। बेचारी पार्वती शैतान के थप्पड़ खा के उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं। शैतान दरवाजा खुला देखती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। वो भुक्कर शैतान हर दिन किसी न किसी के घर पे जाती थी और उनके बनाए हुए पकवान खा के अपना भूख मिटाती थी। अब भुक्कर शैतान का अत्याचार बढ़े ही जा रहा था, इसीलिए सभी लोग पंचायत जी के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं। ये बात अनामिका को भी पता चलता है। अनामिका सासूमा शारदा के कमरे में जाती है। उस वक्त सासूमा शारदा गहरी नींद में सो रही थी। अनामिका उठाने की कोशिश की पर वो उठी नहीं, इसलिए अनामिका गांव वालों के साथ ही पंचायत जी के पास चली गई। ये समस्या तो पहले से ही पता है पर समाधान नहीं पता। ऐसा क्या करे कि भुक्कर शैतान को रोक सके और उसे सबक सिखा सके? सरपंच जी कहते हैं। अनामिका इस बारे में बहुत देर तक सोचती है और उसे फिर एक तरकीब आती है। वो गांव वालों को बताती है। सभी लोग मंजूरी जताते हैं। फिर कुछ देर बातचीत करके सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। उस रात करीबन 8 बजे शारदा अपना टिफिन तैयार कर लेती है और ड्यूटी के लिए निकल जाती है। तभी अनामिका को सासुमा की बात याद आती है। वो पकवानों का बंदोबस्त करती है ताकि वो उस रात शैतान को पकड़ सके। उस रात करीबन 10 बजे सभी गांव वाले तरह तरह के पकवान पका के एक पेड़ के नीचे ले आते हैं। शैतान खुश होके उस पेड़ के नीचे आती है और तरह तरह के पकवान खाने लगती है। वहाँ पेड़ के पीछे 3 आदमी छुपे हुए थे। खाना खाने के दौरान शैतान को पेड़ के साथ वो बांध देते हैं। अनामिका के साथ सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। शैतान को आके छड़ी से वो बहुत पीटते हैं। अरे मुझे मत मारो, मैं शारदा हूँ, तुम्हारी शारदा। शारदा इस तरह से चिल्लाने लगती है तो सभी लोग मारना बंद करते हैं। फिर शारदा अपना शैतान का कॉस्ट्यूम हटाती है और सबसे माफी मांगती है। रमेश सोफे पे बैठकर ऑफिस के फाइल्स देख रहा था। शारदा उसके लिए चाय ले आती है और फिर उसे देती है। रमेश चाय पी रहा था तभी शारदा उससे कहती है, बेटा रमेश अपनी बहन को जरा फोन करना, मैंने उसे अपने सपने में देखा। माँ घर पे किस लिए फोन लगा है, आप फोन करके बात कर लो। मुझे पता था, मैंने इसलिए तुमसे कहा क्योंकि जहाँ देखकर बात करते हैं मैं वैसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम जरा फोन लगाओ। हाय रे, अभी वीडियो कॉल, वो भी बहन से? नहीं नहीं माँ, अभी नहीं कर सकता मैं। अभी क्यों नहीं, जब भी मैं कहती हूँ फोन लगाने के लिए तुम फोन क्यों नहीं लगाते? ना नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा, जब भी फोन लगाता हूँ तो घंटों घंटों बातें करते हो, कभी कभी लगता है कि मेरा फोन फट ना जाए। हाल चाल पूछना बेकार की बातें होती है क्या? हाँ अभी वक्त नहीं है, ऑफिस से रात में लौटूंगा तब फोन पे बात कर लेना। तब वो कहेगी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं। अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं, तो मैं कब बात करूंगी तुम्हारी बहन से? माँ तुम्हारी बहू खाली है, मैं उसे कह देता हूँ, उसके फोन से तुम बात कर लो। अभी तक तो तुम्हारी बीवी का दर्शन ही नहीं हुआ, वो कब करेगी, मैं भी देखती हूँ। रात को फिल्म देखकर वो लेट से सोई थी, अब तो उसका उठने का वक्त हो ही गया है। हाँ बेटा, हमारे पास तो बड़ा बड़ा फोन भी नहीं कि रात को बड़ी फिल्म देख के सोए। वैसी बात नहीं है माँ, अगर वो ठीक से नहीं सोती है तो उसका सर दर्द होता है। हाँ बेटा, जब भी कोई लड़की ससुराल आती है ना, तब उसकी सारी बीमारी तकलीफ शुरू हो जाती है, हमारा तो कोई तकलीफ ही नहीं। तभी शारदा के पति प्रसाद हाथ में अखबार लेकर वहाँ पे आते हैं। अरे शारदा, हाल ही में तो तुमने किसी बीमारी के बारे में बताया था। मैं तो भूल ही गई थी, आपने आके याद दिला दिया। याद दिलाने के लिए अब नारद मुनि जो ठहरे। सुबह से एक कप कॉफी भी नहीं पिलाई हो, पिलाओगी क्या? अरे बाबा क्यों ना दूं आपको, मैं तो इस घर की बहुरानी हूँ, घर का सारा काम करूँगी, चाय पिलाऊंगी, सब करूँगी।
प्रसाद फिर ज्यादा कुछ ना कहते हुए अखबार लेके सोफे पे जाके बैठ गए। रमेश हल्के से मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। शारदा के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए गुस्सा कंट्रोल में करती है और जाके टीवी ऑफ करके अनामिका के कमरे में जाके देखती है। अनामिका खराटे ले रही है। वाह क्या किस्मत है, महारानी है भाई। ऐसा कह के खिसियाई बिल्ली की तरह वो अनामिका के बिस्तर के आसपास ही चक्कर लगाने लगी और अनामिका के उठने का इंतजार करने लगी। अरे भाई उठ भी जाओ, मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ। अगर वो ऑफिस चली गई तो उससे बात नहीं हो पाएगी और तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। अनामिका को अब उठाएगी या नहीं ये सोचकर थोड़ी उसे हिचकिचाहट होती है। उधर हॉल में फोन की घंटी बजती है। प्रसाद जाके फोन उठाते हैं और वो शारदा को आवाज लगाते हैं। शारदा फोन उठा के कहती है, हेलो कौन? हेलो माँ, मैं रमेश। बताओ बेटा, तुम्हारी बीवी के लिए कुछ करना है क्या? वो बात नहीं है माँ, तुम्हें कुछ कहना भूल गया था। क्या बताओ बेटा? तुम्हारी बहू को नींद से मत उठाना। नींद से नहीं जगाऊं तो क्या मैं बैठ के उसे लोरी गा के सुनाऊं? नहीं माँ, अगर तुम नींद से उसे जगाओगी तो वो गुस्से से फालतू की बातें करने लगेगी और वो सारी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सुना नहीं जाएगा। अच्छा, बहू की इतनी अच्छी आदत भी है क्या? तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। फोन रख के शारदा किचन में जाती है और गर्मा गर्म कॉफी बना के अनामिका के पास ले जाती है। अनामिका तब तक उठ चुकी थी। सासू माँ को इस तरह से अपने हाथ कॉफी बना के ले आते देख अनामिका को थोड़ा आश्चर्य होता है। उससे कुछ काम है क्या आंटी? मुझे पहले आंटी मत कहो, मुझे माँ कहो। आपको कुछ मुझसे काम है क्या माँ जी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? हमेशा आप कहती है कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया और आज आप खुद मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आ गए, इसलिए। वो बात नहीं है बहू, तुम्हें भी तो सारा काम काज सीखना होगा ना, इसीलिए मैं कहती हूँ। ठीक है सासू माँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुंह धो के अच्छे से सर से नहा के आना। समझ गई ना बहू? वैसे तुम्हारा बड़ा वाला फोन कहाँ है? क्यों सासू माँ? ऐसे ही। जब शारदा ने फोन के बारे में पूछा तो अनामिका समझ गई कि इतना प्यार दुलार कॉफी क्यों हो रहा है। असल में वो अपनी बेटी निशिता जो कि अमेरिका में रहती है उससे बात करना चाहती है। समझने के बावजूद अनामिका ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपना स्मार्टफोन शारदा के हाथ में देके अनामिका बाथरूम में चले जाती है नहाने के लिए। अब तुम इस तरह से मुझे फोन दे दोगी तो मुझे क्या समझ में आएगा? आपने स्मार्टफोन मांगा तो मैंने आपको दे दिया। निशिता को मिलाओ जरा। कैसे मिलाओ माँ जी? मिलाना मतलब पागल लड़की, फोन लगाओ जरा। खुद ही मिला लीजिए, खाना पकाने में लेट होगा फिर आप ही डांटेंगे मुझे। इसमें तो ताला दिखा रहा है, चाबी कहाँ है वो बताओ। जैसी शारदा ताला के बारे में पूछती है अनामिका को बड़ा मजा आता है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता सासू माँ, मैंने यही कहीं रखा था, भूल गई। मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, खाना पका के ढूंढती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम बता दो कहाँ रखी थी, मैं ढूंढ लेती हूँ। जरूरत नहीं माँ जी, मैं खाना पका लेती हूँ फिर मैं खुद ही जाके ढूंढूंगी कि चाबी कहाँ है। नहीं नहीं, कहाँ रखी हो बताओ, मैं ढूंढती हूँ। फोन में ही रखा था माँ जी। अरे पगली, फोन में कैसे रख सकती हो? तुम्हें पता है कि मुझे बड़े फोन के बारे में कुछ नहीं पता, तो मजाक कर रही हो ना? अरे माँ जी, मैंने कब कहा कि आप स्मार्ट नहीं है। एक काम कीजिए, दो नंबर को दो बार दबाइए, ताला खुल जाएगा। ऐसा कह के अनामिका किचन में चली जाती है। शारदा बार बार कोशिश करने के बावजूद वो ताला खुलता नहीं। फिर शारदा फोन लेकर किचन में जाती है। तब अनामिका उन्हें देखकर कहती है, आज आपको क्या हो गया सासू माँ? आज फोन के कुत्ते की तरह आप मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या कहा, कुत्ते का पिल्ला? तुम मुर्गी का पिल्ला, मछली का पिल्ला, मेंढक का पिल्ला, सुअर का पिल्ला। आपने मुझसे ऐसा कह दिया, दीजिए मुझे फोन दीजिए तो। ये लो अपना स्मार्टफोन रख लो, मैं तुमसे बड़ा स्मार्टफोन खरीद के दिखाऊंगी और तुम्हें दिखा दिखा के मैं अपनी बेटी से फोन पे बात करूंगी। अरे चाहिए ना, पूरा घर में नाच नाच के बात कीजिए, उससे मुझे क्या? तुम मेरा स्मार्टफोन देखकर जलोगी। पहले बोलना तो सीख लीजिए, स्टार्ट नहीं स्मार्ट बोलते हैं, फिर जाके अपना स्मार्टफोन खरीदिए। ये सुन के शारदा गुस्से से तिल मिला के वहाँ से किचन में चली जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत हंसती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।